ये देखो मेरे सर में गिरने लगा है, ऐसा लग रहा है टूट रहा है, ऐसे बैठ रहा है। ओ भाई साहब, और सुबह सुबह सनराइज हो रहा है, देखिए। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल यार रात को इतने थक गए थे, आए थोड़ा यहाँ पे प्रोग्राम देखा, डिनर किया और धड़ाम से सो गए। पता नहीं लगा कब सो गए यार। और अभी उठे हैं सुबह के बजे 7:30। थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, चाय पानी पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आज का प्लान स्टार्ट आउट करते हैं कि करना क्या है। 3-4 जगह है यहाँ पे लोकेशन देखने के लिए। फोर्ट ऑफ कोर्स में एक वन ऑफ दी मेन अट्रैक्शन टू विजिट देयर, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हम रुके हैं आके शाम में। करते हैं कुछ तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, अश्विनी दी एडवेंचरर। बहुत बढ़िया धूप निकली, हम लोग हैं जैसलमेर के अंदर, मजेदार मौसम है। यहाँ से चलेंगे अभी जैसलमोर, उससे पहले करेंगे हम लोग क्या ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलेंगे फोर्ट। आइए, ये यहाँ पे रात को सारा प्रोग्राम हो रहा था, ये देखिए पीछे से लेके वहाँ तक इनका बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। और अभी हम लोग सारी प्रॉपर्टी इसी की है, इतना बड़ा एरिया है, सामने चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ से मेन एंट्रेंस है जो कल हम आए थे, इधर से तो व्यू दिखता ही है इनका। तो जगह यार बढ़िया है रुकने के लिए, एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि क्योंकि चारों तरफ आपको देखेंगे तो सारे सिर्फ सैंडियों से नजर आएंगे। और ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा खासा बना रखा है, डाइनिंग हॉल भी बढ़िया बनाया हुआ है। हाँ जी मैडम, कहाँ रहे तुम भटक रहे हो? आओ चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आलू पूड़ी है, पोहा है, ब्रेड तो शायद देख लेंगे। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट भाई, पूड़ी सब्जी ब्रेड ठीक है, मतलब है ना भाई। ये है सुबह सुबह, लगभग लोग बाग निकल रहे हैं, पर हम अभी चलेंगे कहीं घूमने, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर 3-4 दिन का स्टे है। इधर उधर पार्किंग है, पासेस, कैंप, आइए चलते हैं। ये है भाई इनका मेन कॉरिडोर, इधर देखिए टेंट्स लगे हुए हैं, वो टेंट है सारे बने हुए उधर से सामने है। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कल रात को यहाँ पर पूरा रंगारंग प्रोग्राम हो रहा था। 9:30 हुए हैं, 9:30 नहीं 9:45 हो गए, उठ भी नहीं पीता, कौन सा वाला पानी नहीं पीता। ये भाई इनका मंच है रंगारंग कार्यक्रम का, हमारी सामने कॉटेज है। चलते हैं थोड़ा रैप अप करते हैं और निकलते हैं रोड पे। ये देखिए भाई, रात को जो फुल ऑन नज़ारे दिख रहे थे, लाइन से कैंप बने हुए, लाइन से बहुत ज़्यादा टूरिज्म बूम कर गया है इस तरफ, इतने सारा कमर्शल हो गया है चीज़ें। चलिए कोई नहीं, वैसे तो रेत हमारे राइट साइड में दिख रहे हैं, आएंगे थोड़ी देर में, इन रेत पे कम हो जाता है। ए भाई साहब पधारो हमारे देश। हाँ दिसंबर जनवरी इतना ही रहता है, ये गर्म रहता दिन में, ये आया हमारे पधारो हमारे देश। भाई साहब क्या दूर तक व्यू है यहाँ पर, खुला खुला एकदम, ऐसा नहीं है नो मैन्स लैंड है, होंगे घर थोड़े थोड़े से, पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये घर वगैरह ऐसे ही बना रखे हैं, शेड वेड के तौर पर पत्थर के बनाए थे,
बेचारा है तो ये गांव ही। हाँ चरवाए अरवाए आते हैं हम लोग। सूरज को यहाँ से मैंने एंट्री के लिए है नीचे से चलते ऊपर अभी चले गए। ये इधर से आता है नीचे से रास्ता, देखिए कैसे चढ़ाई यहाँ पर है ऊपर फोर्ट के अंदर। इसके अंदर लोग रहते हैं इसलिए आते जाते रहते हैं, तो वहाँ कोई रास्ता बंद होता है और नए लोग इस तरह की, तो काफ़ी चहल पहल रहती है इस फोर्ट के अंदर। 1100 एडी के कुछ आसपास का बना हुआ है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिविंग फोर्ट है इसलिए चहल पहल काफ़ी रहती है। बाकी जगहों पर हम जाएँ तो कुछ नहीं मिले। हाँ सब जगह ही मार्केट है, मंदिर उंदिर है, वहाँ से आते हैं सामने एक मंदिर है, वहाँ पर ऊपर एक रेस्टोरेंट है। हम चल रहे हैं अभी इधर की तरफ गली में, आइए एक बार घूम के आते हैं अंदर तक। बोले आप तो नहीं देंगे, बोले और ये ऊंट वाला, ये पत्थर वो वाला पांच पर एक क्रैक हो जाता है, डाल दो ऑटोमेटिक नहीं मिला दामन के। हां हां वो साइज पड़ता है 300। हां भाई वो पत्थर की बनाई है बॉटल है उसके ऊपर पानी पीते हैं, बीपी शुगर बाइल्स डायबिटीज जॉइंट पेन हार्ट के लिए सब जीवाश्म पत्थर। महल के अंदर जहाँ छाया है वहाँ पे अच्छा मौसम है, लेकिन जहाँ छाया नहीं है वहाँ पर धूप है मतलब गर्मी है। बढ़िया मेन एंट्रेंस से आने के लिए वहाँ से यहाँ रास्ता है ऊपर सब, अगर आपको बैक साइड पूरा सिटी भी नज़र आएगा ऊपर तो चलिए। हम अभी चलते हैं इस साइड, आइए देखिए गली अंदर की तरफ क्या जबरदस्त देखना छोटा छोटा। हाँ आलीशान दरवाजे देखो उनके बढ़िया, क्या गलियां है भाई साहब छोटी छोटी। कैनन पॉइंट यार इधर ही ना, जो ये देखिए यहाँ भी बाहर निकल गया वो है देखिए, वो रखिए कैनन देखो पुरानी जहाँ बोली पुरानी फोटो है, यहाँ से पूरे शहर का व्यू है। आओ दिखाते हैं, ओह ये देखिए यार ये देखिए पूरे शहर का भी है। ये रखी है पुरानी कैनन कचपुच से आए गुजरात से। अच्छा सभी लोग एक ही ड्रेस में क्या मतलब जनाब आप कच्छ से आए? हम कच्छ से आए। हाँ जी उधर भी टूरिस्ट आते हैं, हम इधर आते हैं घूमने, हम उधर भी जाएंगे। आइए आइए अच्छी बात है कच्छ यही हमने। हाँ कच्छ क्या बात है।
कितनी एकदम सुनहरी लग रही है सारी, वाइट वाइट गोल्डन कलर, सूरज में रोशनी इतनी सही चमक रही है, इसीलिए कहते हैं इसको यार सुनहरी नगरी। ये देखिए फोर्ट आप, ये है रास्ता ऊपर जाने का, एक थोड़ा व्यू पॉइंट उधर भी है पीछे, देखते हैं। यहाँ पर छोटी तोप है पर पब्लिक कम है यहाँ पर, ये अच्छी बात है, सही है। ओहो हवा देखो भाई साहब, यहाँ से यार अंदर से आते हैं बाहर से। ये यहाँ पर टिकट काउंटर है, 200 रुपये इंक्लूडिंग कैमराज एंड ऑल। नीचे बस ऐसे बैठने की जगह, आप ऊपर से स्टेज लीजिए और आइए यहाँ पर। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वैसे 4 to 5 क्या है आगे आगे, तो देखिए। ओह ये ऐसे छोटे छोटे महल बनाए हुए हैं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जैसलमेर का जो शहर है 1556 में बसाया, और ये किला 1556 में यहाँ के पहले राजा जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना राज्य है, जो कि इस किले की 250 फुट ऊंची दीवारें हैं और 30 फुट ऊंची वाली जो बाहरी दीवारें हैं जिसमें कुछ 99 प्राचीर हैं। ये किला 80 मीटर हाइट वाली त्रिकूट पहाड़ी पर गोल्डन लाइमस्टोन से बनाया गया है, इसलिए इसे सोनार फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि सुबह की सूरज और रोशनी जब इस पर पड़ती है तो ये किला एकदम सोने का महल लगता है। इसमें 4 दरवाजे हैं, सूरज पोल, गणेश पोल, भूत पोल, हवा पोल। पोल माने दरवाजा। दिस इज़ दी ओनली फोर्ट विच इज़ इनहैबिटेड, और शहर की 1/4 आबादी इस शहर इस किले के अंदर ही रहती है, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत हैं। और इस किले के लिए सबसे बड़ी हानिकारक चीज़ भी यही है, क्यों? क्योंकि घरों से निकलने वाला पानी जो है वो इस किले की ज़मीन के नीचे जाता है, जिसकी वजह से इस किले के अंदर जगह जगह क्रैक भी लगने लगे हैं। भाई इनकी शार्पनेस देखो, उसे तुम फोटो खींचो बस। ये पहले जमाने की चाकू, ये पहले राजा का महल होता था ये वाला, सही बना हुआ है ना? ये हवा आ रही है इनसे, देखो ये देखो ना, ये देखो तो सर इधर हम ए सी लगा हुआ, नेचुरल ए सी साल ही 4 साल बस के लिया। राजा की छतरी, अंदर है भाई। शायद वो टूट रहा होगा, इसलिए नहीं जाने थे। देखो वो झुक रहा है, ऊपर देखना कितने सारे कंधे बैठे हैं। ये देखो इधर ये क्रैक हो गया, घिर रहा है इधर की तरफ। पधारो हमारे देश त्रिपोलिया। ओ भाई साहब, ये अंदर का महल है, बहुत सारे राजाओं की फोटो लगी हुई है यहाँ पर।
और यहाँ से क्या भाई साहब बाहर का व्यू है, ये देखिए मेन एंट्रेंस यही है किले का। और क्या सही जगह बालकनी बनाई हुई है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, ये लकड़ी है, ये तो लकड़ी लग रही है मुझे। लो भाई ये पूरी वंशावली दर्शा रखी है, सारे वंशज महाराजा गज सिंह। आते आते ये 1982 ओरिजिनल महाराजा है भाई, महाराजा पृथ्वीराज सिंह। ये है भाई आखिरी लग रहा है, ये है भाई राजा जैसल, महाराजा रावल जैसल। 1156 से 1100 से दूंगी, फिर ये सारी हायरार्की लगाई हुई है, जैसे लगते हैं आते कैसे कौन कौन सारे आए, महाराजा महाराज सिंह, महाराज जसन सिंह, महारावल बुद्ध सिंह, तेज सिंह, अक्षय सिंह, मूलराज, गजराज, रंजीत, बैरसिंह, सिंधराज सिंह, जवाहर सिंह, महाराजा ब्रजेश सिंह, पृथ्वीराज सिंह, गज विलास। आओ बोले यार, आगे की तरफ घिस रहा है नहीं, किला दब रहा है। स्कल्पचर्स पुरानी, छत्र लगे हुए यहाँ पर, देखिए उस जमाने की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए महल में लगाया हुआ है ये पहले बनाके, अक्षय विलास नंबर 12। सही है भाई, जिस हिसाब से बना रखा है। और ऊपर भी है, इधर जाइए। ओहो तो उसमें कुछ नहीं, उस तरफ है। उत्तम विलास भाई साहब, क्या महल टाइप बनाया हुआ, ये तो पूरा हम बाहर आ गए सिटी की तरफ। ये जी ठीक है, ये क्या ये देखिए यार, यहां से पूरा पैलेस जिसके अंदर लोग रहते हैं, इसी को 99 जिसके हर ब्रज के अंदर सैनिक बैठता है। ये जो हमने फर्स्ट गेट एंटर किया था, इसका नाम है अक्षय प्रोल, उसके बाद आया था सूरज प्रोल, थर्ड प्रोल गणेश प्रोल और फोर्थ प्रोल हवा प्रोल। मैंने बताया था चारों गेट एक दूसरे से पूरे के, चारों गेट आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। हमने यहाँ से राजा के महल से एंट्री ली थी, यहाँ से फिर हमने एंट्री की थी। ये जो आपको चेयर दिख रही है, वेट चेयर है यहाँ पे। महारानी कक्ष वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये देखो ये सब गिरने लगा है, ऐसा लगा है टूट रहा है, इसे बैठ रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे फ्लट के गिर सकता है। बाहर की तरफ यहाँ से निकल महल। आइए भाई बाहर, भाई एग्जिट हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उधर भी व्यू पॉइंट है, बाहर तो उधर से जहाँ से हम आए थे। चार गेट है उसमें अलग अलग, पर पुराने लोगों के घर पर समय दुकानें बनी हुई हैं।
इनका सैक और उनको ही मिली। चुगली करेंगे तीनों। ये सर जेन्युइन चीज है। ये टेंपल है चंद्र प्रभु स्वामी। अरे दिल्ली शहर में मारो बेटा दीजिए से थोड़ा देर इधर चलते हैं। कुछ करने का नहीं दबाया अपना इस बार। इधर से लेके उधर तक सारे लक्ष्मी माता मंदिर कोई उधर भी रास्ता है। वैसे देखिए यार पूरे फोर्ट का, ये पुराना महल है जो म्यूजियम में भी अंदर से देखा। बहुत देर हो गई यार घूमते हुए, धूप भी है, थक भी गए हैं। और इस समय क्या टाइम हो रहा भाई, अभी 2 बज रहे हैं। तो चले गए भाई कुछ लंच वंच करने चले है? हाँ से लेके ये है सूरज स्कूल की मेन एंट्री नीचे से। डोंट शूट मी, ये है भाई साहब पूरी फोर्स की अरबानिया। यही लेंगे भाई हम पूरा अपना कैंपर वैन बनाने के लिए। नमक है सही उधरू, नमक है साउट भी दिख रहा है यहाँ से। तो पूरा क्या जगह बनाई हुई है भाई, पूरा फोर्ट घुमाए। इतनी सारी पब्लिक वहाँ रहती है, छोटे 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 गलियों में सबके घर बने हुए हैं। पानी की व्यवस्था भी पता नहीं कैसे होती है ऊपर, पर है तभी लोग रहते हैं। जगह बहुत प्यारी है, हवा बहुत ठंडी लगती है, दिन में धूप है तो एक अलग बात है, लेकिन छाया में बैठोगे तो आपको ठंडक लगेगी। आपको एसी और पंखे की भी ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि हाइट पे बना हुआ है तो वहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर एक ठाकुर जी के रेस्टोरेंट में, बिल्कुल किले के सामने ही है। खाना खा के बताते हैं यहाँ के रिव्यूज़ कैसा है कैसा नहीं है। पर एम्बियंस ठीक लग रहा है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जगह तो ठीक ही लग रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। पनीर तो शुरू से ठीक लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं। खाना भाई एक नंबर, ठाकुर जी रेस्टोरेंट बिल्कुल सामने है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आइए। कढ़ाई पनीर में इन्होंने एकदम धूम बिठा दिया।